सभापति जी और यहाँ उपस्थित संपूर्ण माननीय जी निर्वाचन आयुक्त लगाए पत्रकार लोग, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्हीं के सहयोग से आज सर्वसम्मत मैं संसदीय दल का नेता बना हूँ और इन्हीं के कहे हुए प्रक्रिया द्वारा मुख्यमंत्री जी का ही यही बोले हुए थे कि चुनाव प्रक्रिया में हम लोग चले, नामिनेशन पड़े और तब सर्वसम्मति से ही हम लोग दल का नेता चयन करेंगे, वोटिंग प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। आज वैसा ही हुआ, हम सुबह में ही मुख्यमंत्री जी यहाँ जाकर इनसे ही आशीर्वाद लेकर मैं बोला हूँ आप मेरे बड़े भाई हैं उम्र में और मेरा भी इच्छा है दल का नेता बनने का, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आकर नामिनेशन दिया और फिर नामिनेशन देने के बाद फिर मैं मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद गया और बोले कि हम लोग सहमति के वातावरण बनाए और सहज तरीका से मुझे अपने छोटे भाई समझ के वही हमको माला और साल उड़ाकर बोले कि आपको दल का नेता बन गए और यहाँ निर्वाचन आयुक्त जी को फोन भी किए कि हम लोग थोड़ा आधा घंटा लेट आएंगे लेकिन सर्वसम्मति से हम निर्वाचन हम लोग का हो गया कह के वो अपना कार्य तालिका चेंज कर दीजिए, उसी हिसाब से हुआ। इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद देंगे हम मुख्यमंत्री जी को। आने वाले दिन में मैं इनके पूरे सहयोग लेके इनके पूरे साथ रह के हम काम भी करेंगे और जितने मेरे माननीय जी लोग हैं दल के मैं विश्वस्त कराता हूँ कि समय समय पर बैठक रह के सदन का भूमिका एकदम अच्छा तरह बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्टी के साथ कोई किस्म के गलत काम हम लोग से नहीं होगा, न कभी सोचेंगे। पार्टी के संगठन में से लेके हर काम में मुख्यमंत्री जी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और इन्हीं के सलाह सहयोग अधिक लेके काम करेंगे और आज ये हम लोग के चुनाव में निर्वाचन आयुक्त जी से लेके जो और साथी लोग हैं जितने काम किए उस सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने पूरी एग्जाम देता हूँ। धन्यवाद।